हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए हिकविजन के आईपी कैमरा और एनवीआर के कुछ जानकारी। तो इसमें आपको बताऊँगा कि आईपी कैमरा जो हिकविजन का है उसको एक्टिव कैसे करते हैं, उसका कंप्यूटर पे कैसे करते हैं और एनवीआर पे कैसे होता है। तो एनवीआर के लिए मैं अलग वीडियो बना चुका हूँ और ये मैं बना रहा हूँ अभी लैपटॉप पर, आपके डेस्कटॉप पर कैसे उसको एक्टिव करते हैं ऐसे डीपी टूल के थ्रू। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि कैसे होता है वो। दोस्तों, मेरा नाम है अनिल असनोरा और आप देख रहे हैं असनोरा ब्रदर्स यूट्यूब चैनल। तो अभी हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और आगे की प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना होगा। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और वीडियो कंप्लीट देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपका कोई भी सजेशन हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक दिया गया है, आप वहाँ भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। यदि आपको सीसीटीवी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या क्वेश्चन हो तो आप अपना नंबर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, फिर आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मैसेज करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड, आप जैसा देख रहे हैं कि मेरे पास एक ये आईपी कैमरा है हिकविजन का और मैं इसको आपको दिखाऊंगा अभी एक से ऐसे डीपी टूल की मदद से कैसे एक्टिव करते हैं। और ये मैंने सिंपली कनेक्ट किया हुआ है स्विच पे और स्विच से मेरी एक केबल गई है मेरे डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप पे मैंने इसको कनेक्ट कर लिया, बीच में एक स्विच लगा है जिससे मेरा पावर भी मिल रहा है, देन डाटा भी लैन भी कनेक्ट हुआ है। तो आप चाहें तो उसको पावर अलग से देके डायरेक्टली एक लैन केबल कैमरे के इस पोर्ट से, जो ये पोर्ट से आपका कैमरे का पोर्ट है, इसी केबल का आपका दूसरा छोर आप लगा सकते हैं डेस्कटॉप पे। और देन मैंने अभी लगाया हुआ है अपने स्विच पे। तो मेरा ये केबल जो है ये स्विच पे लग चुका है, ये पूरा केबल मैंने इसको एक सिरा कैमरे पर लगाया और दूसरा स्विच पर दिया हुआ है और स्विच से एक आउटपुट लिया हुआ है, ये आउटपुट मेरा जा रहा है डेस्कटॉप पर। तो अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करना होगा ऐसे डीपी टूल, जिसकी मदद से आप इसको एक्टिव कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप पासवर्ड भी फॉरगेट कर सकते हैं, पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं हिकविजन डीवीआर आईपी कैमरे का, एनवीआर का, डीवीआर का। इससे इसके थ्रू, इस टूल के थ्रू आप पासवर्ड भी फॉरगेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये इंस्टॉल किया हुआ है और ये मेरी स्क्रीन, मैंने इसे ओपन किया तो यस बोलेगा और मैंने इसको यस कर दिया, मैसेज आया था। देन देखिए, आप मेरे उसमें मैंने अटैच किया हुआ तो मेरा सबसे पहले कैमरे का आईपी दे रहा है और हिकविजन के प्रोडक्ट में अधिकतर जो डिफ़ॉल्ट आईपी रहता है यही रहता है 192.168.1.64। डीवीआर का भी यही रहता है, एनवीआर का भी यही होता है और कैमरे का भी यही मिलता है, डिफ़ॉल्ट आईपी यही होता है। तो हमें इसको एक्टिव करना है तो सिंपली हमें यहाँ जाना होगा पहले इस कॉर्नर पर। यहाँ पर आप देखेंगे एक बॉक्स बन के आ रहा है, तो उस बॉक्स को हमें इसको सिलेक्ट करते ही यहाँ पे मेरा एक मैसेज देखो, आपको एक न्यू पेज खुल रहा है। तो इस पर मुझे नॉर्मली यहाँ पे पासवर्ड फिल करने के लिए बोल रहा है, तो मुझे यहाँ पे इसका नया एक पासवर्ड क्रिएट करना है, जैसे कि मैं कर लेता हूँ। फिर आपको कंफर्म पासवर्ड में दोबारा से पासवर्ड फिल करना है। तो मैंने दोनों पे फिल कर दिया। देन फिल करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे एक्टिव लिखा हुआ है रेड कलर के बॉक्स में, इसको आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे आपको शो करेगा नोटिफिकेशन कि सक्सेसफुली। अब उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन आंसर का ये देता है और इसको ज़रूर भरिएगा आप, इसको इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि कभी भी अगर आपका फ्यूचर में कैमरे के अंदर आईपी कैमरे का पासवर्ड यदि आप भूल जाते हैं, जब कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप यहाँ से पासवर्ड ईजिली रीसेट कर सकते हैं, अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं कैमरे को। और यदि आप इसको इग्नोर करते हैं तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अपने हिसाब से भर लेता हूँ। तो देखिए, मैंने इसमें फिल कर लिया है, तो ज़रूरी नहीं है आप आंसर राइट भरें, बट आपको याद रहना चाहिए आपने क्या फिल किया था।
तो ऐसे ही आंसर भरें या फिर उसको डायरी में नोट कर सकते हैं। तो मैंने फिल कर लिया और मैंने इसको कन्फर्म कर लिया, तो ये देन मेरा सक्सेसफुली हो चुका है। तो अभी देखेंगे आप, यहाँ पर मेरा एक्टिव लिख के आ रहा है कैमरे के नीचे, तो मेरा ये कैमरा एक्टिव हो चुका है। अब आगे का प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा कि इसको पासवर्ड को रिकवर कैसे करते हैं, अगर आप पासवर्ड भूल गए और आपको इसको रीसेट करना है तो वो कैसे करते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, आप मान लीजिए इसका पासवर्ड तो मैंने जो डाल दिया ठीक है, बट अब मुझे पासवर्ड नहीं है इसका पता और ये मैं इसको नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे सिंपली इसमें करना होगा फॉरगेट पासवर्ड में क्लिक। यहाँ से फाइल जो है एक्सपोर्ट करना है एक, तो मैं यहाँ पे इस जो एक्सपोर्ट लिखा हुआ है इस पर एक बार क्लिक करूँगा। तो इसको क्लिक करने के बाद मुझे ले जाना है फाइल अपना जहाँ पर आपको रखना चाहें, तो मैं रख लेता हूँ जैसे कि वाइज ऐप में प्रोजेक्ट वाले में, और इसमें मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट। तो मेरा ये फ़ाइल एक्सपोर्ट हो चुका है, मेरा वो फाइल एक्सपोर्ट हो चुका है मेरे हार्ड डिस्क के पार्टीशन में, तो मैंने उसको एफ में रखा हुआ है, तो मैं प्रोजेक्ट वाले में। तो अभी मैं जाऊँगा बैक और मुझे अब एक मेल करना होगा, वो मेल मैं करूँगा हिकविजन की मेल आईडी पे, जो आपको भी दिखाता हूँ। तो सिंपली मुझे इसे कैंसिल कर लेना है और इसको मिनिमाइज करके मुझे जाना है क्रोम पे, और जहाँ मेरी मेल आईडी ओपन है वो मेल आईडी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। फिर आपको अपना मेल आईडी के कंपोज में जाना है और उसको एक मेल फिल करना है कि हमें DVR का या NVR या IP कैमरे का पासवर्ड अपना जो भी मैटर आपका फिल करने के बाद आपको फ़ाइल अटैच कर देनी है। तो जैसे कि मैंने वो फ़ाइल रखी थी अपने कंप्यूटर के ये एफ़ वाले पार्टीशन में, तो इस फाइल को आपको उसमें अटैच करना है और ये फ़ाइल XML फ़ाइल होनी चाहिए। तो इस फाइल को आप जैसे ही अटैच करके उनको सेंड करेंगे तो वहाँ से एक रिप्लाई मेल आएगा। तो वो जो मेल आता है, वो मेल आने के बाद आपको फिर से अपना वो फ़ाइल को डाउनलोड कर लेना है। वो लोग आपको एक मेल भेजेंगे जिसमें एक फ़ाइल भेजते हैं, उस फाइल को की फ़ाइल होती है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है, जैसा कि मैं कर चुका हूँ पहले से। तो मेरे इसमें एक डाउनलोड में एक फ़ाइल पड़ी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप, मेरे इसमें एक डाउनलोड की फ़ाइल पड़ी है, तो ये अपना मैंने डाउनलोड कर लिया है। और इसके बाद आपको जाना होगा उसी टूल्स को खोलना होगा और यस करके, मैंने ये NVR का एक्चुअली किया था, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसको NVR मैंने कैसे किया था। तो जैसे कैमरे का आप मंगाएंगे तो कैमरे का आपके पास आ जाएगा, तो फिर से आपको फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। देन जो फाइल आपका आया हुआ है उसके लिए आपको यहाँ पर इम्पोर्ट फाइल पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है और देन आपको ये जो है इस फाइल को सिलेक्ट करना है और ओपन करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है और कन्फर्म करना है उसको दोबारा से, और यहाँ पे आप जो नीचे कंफर्म का ऑप्शन मिल रहा है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन शो करेगा योर पासवर्ड इज सक्सेसफुली। तो ये छोटा सा एक प्रोसेस है और एक छोटी सी वीडियो, आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है जो आपको बताना चाहता हूँ, जब आप ये पासवर्ड रिकवरी वाला प्रोसेस करें तो आप अपना नेट और डिवाइस को बंद ना होने दें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। Take care, bye.